एक होता है प्राकृतिक आपदा, आसमानी आपदा, एक होता है सुल्तानी आपदा। हम प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे, अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं हम खत्म कर देंगे, तो ये हमारी सुल्तानी आपदा है। और उड़ाही में केवल उड़ाही नहीं हुआ, उस मिट्टी को भी लोगों ने, तन ठेकेदारों ने बेच डाला। तो दुनिया में उसका निर्माण का एक ही विज्ञान है कि हम पानी के प्रवाह को बहने के लिए रास्ता देंगे, इसलिए जो पुल बनता है हम ऊपर से जाते हैं और पानी अपने रास्ते से चला जाता है। बिहार में पुलों के टूटने का सिलसिला कब थमेगा ये कोई नहीं जानता। हर दिन राज्य के किसी न किसी जिले से पुल के ध्वस्त होने की खबरें आ रही हैं। बिहार में पिछले 21 दिनों के भीतर सोमवार को 14वां पुल भी गिर गया। मोतिहारी में 24 घंटे के भीतर दो पुलिया के ध्वस्त होने के बाद हड़कंप मच गया है। रविवार को मधुबनी के पुल धंसने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि शाम होते होते संग्रामपुर के भवानीपुर में सड़क निर्माण विभाग से बन रही पुलिया का आधा हिस्सा पानी में बह गया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो SH-74 के भवानीपुर ढाला से मलाही टोली जाने वाली निर्माणाधीन सड़क का बताया जा रहा है। इस बीच प्रेस मिलन में राजद प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व जल संसाधन मंत्री जगदानंद सिंह ने पुलों की रक्षा का उत्तरदायित्व तय किया। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन पुलों का गिरना अलग ही मसला है। वो जो भी निर्माणाधीन है उनका गिर जाना एक अलग चीज है। निर्माण में गलती हुई होगी, लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल जो टेस्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, आखिर किसी भी हम बहते हुए पानी जिसको हम नदी कहते हैं अंदर जाते हैं, तो दुनिया में उसका निर्माण का एक ही विज्ञान है कि हम पानी के प्रवाह को बहने के लिए रास्ता देंगे, इसलिए जो पुल बनता है हम ऊपर से जाते हैं और पानी अपने रास्ते से चला जाता है। दूसरा चीज जो सुरक्षा है कि हर नदी का एक स्कॉरिंग डेप्थ कहते हैं, नदी ऊपर से नहीं खतरा है, नदी जमीन के भीतर अंदर से घुस करके सारे तन स्ट्रक्चर्स को तोड़ती है, तो उसको कहते हैं स्कॉरिंग डेप्थ, उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है। तो हम उसे बचाव के लिए उसकी जो क्षमता है उसे नीचे तक जा करके अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो क्या पाइलिंग वहाँ तक नहीं था, डिजाइन फॉल्ट है क्या? केवल किसी को दोष को तलाश लेना झटके पर और अपने बचाव के लिए कि चलो क्रोध शांत हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, लेकिन जो इधर मैंने सुना और जाना है कि छोटी छोटी नदियों की उड़ाही हुई है 2 साल के भीतर, छोटी छोटी नदियों का, और उड़ाही में केवल उड़ाही नहीं हुआ, उस मिट्टी को भी लोगों ने, तन ठेकेदारों ने बेच डाला। तो मान लो कि यदि हमारी नींव 20 फीट की हो और 10 फीट 12 फीट उसकी मिट्टी को कोई निकाल लेगा, तो नींव तो हमने कमज़ोर कर दी। जब नींव कमज़ोर कर दी तो जिस सारे सावधानी पूर्वक हमारे ढांचे बने हैं उस ढांचे को, तो आज हमने बात को बिगाड़ दिया। एक होता है प्राकृतिक आपदा, आसमानी आपदा, एक होता है सुल्तानी आपदा। हम प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे, अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं हम खत्म कर देंगे, तो ये हमारी सुल्तानी आपदा है, राज्य का दोष है। अब इसमें कहाँ क्या मामला हुआ है, अब ये लोग हमारे बताएंगे, तो जो पानी के वैज्ञानिक हैं, कि क्या हमारी पाइलिंग जो अबस्कावरिंग डेप्थ है वहाँ तक हुई थी कि नहीं हुई थी, क्या पानी का प्रवाह दिया गया था रास्ता कि नहीं दिया गया था,